जयपुर के चौंप में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज आरसीए और वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच 300 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि वेदांता ग्रुप के सहयोग से इस स्टेडियम के तैयार होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर मौजूद रहीं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, पहली बार इस देश में एक बड़ी कंपनी ने सीएसआर के माध्यम से 300 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये वित्तीय संसाधन की इस तरह की उपलब्धता इस बात का प्रतीक है कि जो हमने सपना देखा है सपना मूर्त रूप लेने जा रहा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों की एक लंबे समय से मांग थी कि आरसीए का खुद का स्टेडियम राजस्थान के अंदर होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें निरंतर सहयोग और आशीर्वाद दिया। तो देखिए, हम फर्स्ट फेज़ का जो जिस तरह से आपको बता रखा है कि हम लोग चाहेंगे कि हम फर्स्ट फेज़ को अक्टूबर नवंबर तक इसको कुछ मूर्त रूप आगे आ जाए, और आने वाले समय में सेकंड फेज़ भी हम इसको जल्द अगले साल शुरू करेंगे। राजस्थान हमारा, यू नो, दैट्स वेयर हमारी रूट्स आर फ्रॉम, एंड ऑलरेडी हमने, यू नो, जो भी हम लोग काम करते हैं हम शुरू करते हैं राजस्थान से ही। हमने मैराथन शुरू किया, हमने जयपुर मैराथन से शुरू किया, हमने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू किया है, इतना बड़ा फुटबॉल एकेडमी है, जिंक एकेडमी राजस्थान में है, और जो हम करते हैं वो राजस्थान में ही करते हैं। हम ननघर की इनिशिएटिव अभी एमओयू साइन किए, 25,000 ननघर बनाएंगे हम राजस्थान।